क्या आप जानते हैं कि फैक्ट्री में रिफाइंड तेल कैसे बनाया जाता है? क्या वाकई रिफाइंड तेल बनाने के लिए जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है? इसमें जो चीजें मिलाई जाती हैं, उन्हें जानकर तो आप भी हैरान रह जाएंगे। चलिए जानते हैं पूरा प्रोसेस। पहले लोग देसी घी, सरसों के तेल का इस्तेमाल करते थे, लेकिन फिर बदलते वक्त के साथ इस लिस्ट में एक और नाम ऐड हो गया और वो था रिफाइंड का, जो आज लगभग हर कोई इस्तेमाल करता ही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसे बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले लाखों टन सोयाबीन फैक्ट्री में ट्रक के जरिए लाया जाता है और फिर मशीन से इन्हें अच्छे से साफ करके सॉर्टिंग मशीन में डाला जाता है। दरअसल इस मशीन में छोटे छोटे पत्थर, कंकड़ वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए सेंसर लगे होते हैं, जो इन चीजों को सोयाबीन से अलग कर देते हैं। और फिर इसके बाद साफ सुथरी सोयाबीन को क्रशिंग मशीन में भेजा जाता है, जो कि सोयाबीन को दो टुकड़ों में बांट देती है, और फिर इसे बॉयलर में उबालने के लिए रखा जाता है, जिससे सोयाबीन में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन सभी का खात्मा हो जाता है। इसके बाद सोयाबीन को कन्वेयर बेल्ट की मदद से लिक्विड की तरह बनाया जाता है और फिर ये पहुंचता है मैकेनिकल ऑनिल प्रेसिंग मशीन में। इसमें जो खराब एक्स्ट्रा पानी होता है वो अलग हो जाता है और वहीं जो साफ लिक्विड होता है प्रेसिंग मशीन के जरिए उसमें से तेल निकाला जाता है और इसे रिफाइंड नहीं बल्कि गोल्ड प्रेस ऑनाइल कहते हैं। अब इसे रिफाइंड में तब्दील करने के लिए 400 डिग्री पर बॉयल किया जाएगा और फिर इसमें कुछ केमिकल्स ऐड किए जाएंगे। जैसे ही केमिकल ऐड हो जाएंगे तो फिर इसे एक और बार बॉयल किया जाएगा और फिर हमें मिलेगा रिफाइंड। इसके बाद फैक्ट्री में मशीन की मदद से इन्हें एक एक कर बोतल में भरा जाता है और इस काम में कुछ ही मिनट का समय लगता है। और आखिर में बारी आती है ब्रांडिंग की, जो फैक्ट्री अपने नाम का ब्रांड उस पर चिपकाकर मार्केट में सेल होने के लिए भेज देती है। अब आप सोचेंगे कि इसमें तो कुछ भी हानिकारक चीजें नहीं मिलाई गई, तो बता दें कि इसमें जो केमिकल्स मिले हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, जो इसे स्लो पॉइजन में बदल देते हैं। कुछ फैक्ट्रीज तो रिफाइंड बनाने में खास तरह के साबुन का भी इस्तेमाल करती हैं, और जब इनकी जांच की गई तो पाया कि ये रिफाइंड हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरह के रिफाइंड का सेवन करने से शरीर अंदर से कमजोर होता जाता है, इसलिए इसे स्लो पॉइजन का नाम दिया गया है। जांच से ये भी खुलासा हुआ है कि रिफाइंड में जो हानिकारक केमिकल्स की स्मेल और चिपचिपापन होता है उसे दूर करने के लिए इसमें खास तरह का केमिकल मिलाया जाता है, ताकि किसी भी तरह का कोई शक ना हो। इसलिए आप रिफाइंड का इस्तेमाल कम से कम करें। वैसे क्या आपको रिफाइंड के इन नुकसानों के बारे में पता था? कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और पेज को फॉलो करना ना भूलें।